हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं एक्सेल में किसी भी नेम से फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को अलग अलग करना, या फिर अगर अपने पास कोई डेटा हो जिसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग हो तो उसे एक साथ कैसे लिखना, वही आज हम देखेंगे इस वीडियो में। यहाँ पर देखिए, मैंने डेटा ले रखा है जिसमें नेम सिंपल है, एक्सेल में जैसे नाम टाइप होता है ऐसे ही टाइप है। अभी मैं इसे अलग अलग करके दिखाता हूँ कि ये कैसे अलग अलग होगा। सबसे पहले मैं डेटा को सेलेक्ट कर लूँगा और डेटा ऑप्शन पे चला जाऊँगा। डेटा ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पर देखिए आपको मिलेगा टेक्स्ट टू कॉलम का ऑप्शन। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने एक पॉपअप मेनू आएगा, या फिर इसका शॉर्टकट की है अल्ट ए और ई। अल्ट ए और ई प्रेस करेंगे तो सेम पॉपअप मेनू आपके सामने ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर आप नेक्स्ट करेंगे, क्योंकि मेरा डेटा जो है वो नॉर्मल है, स्पेस है सारे में, तो मुझे स्पेस से अलग करना है, तो मैं स्पेस पर क्लिक कर दूँगा यहाँ पर, और स्पेस पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट करूँगा और फिनिश कर दूँगा। ओके, तो ये देखिए जो मेरा डेटा है वो अलग अलग हो गया है। मेरा फर्स्ट नेम ये रहा और सेकंड नेम ये रहा। सेम इसी तरह अगर अपने पास कोई डेटा हो जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग हो और हमें उसका सर नेम पहले लिखना हो या फिर नेम पहले लिखना हो और एक्सेल में लेकिन हमें टाइप करना हो, तो हम उसे कैसे करेंगे वो देखते हैं। अपने पास दो ऑप्शन है, मैं पहले फर्स्ट करता हूँ, उसके बाद दूसरा करके भी दिखाता हूँ कैसे होगा। सबसे पहला ऑप्शन है इक्वल, इक्वल प्रेस करेंगे, फर्स्ट नेम जिस भी सेल में है उस सेल को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप अगर आप चाहते हैं सेकंड नेम हो पहले, तो आप सेकंड नेम टाइप कर सकते हैं। मैं भी फर्स्ट नेम चूज करता हूँ, उसके बाद में सेकंड करके दिखाता हूँ। वो चूज करूँगा एंड, क्योंकि मुझे बीच में स्पेस चाहिए तो मैं इन्वर्टेड कॉमा स्पेस देता हूँ, एक फिर से डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज कर देता हूँ, एंड का सिंबल लगाता हूँ और सेकंड नेम को मैं चूज करता हूँ और इंटर कर देता हूँ और ट्रैक कर देता हूँ। तो देखिए मेरा जो नेम था अलग अलग वो एक सेल में आ गया है बहुत ही आसानी से। लेकिन अगर इसी डेटा को मुझे सेकंड नेम पहले लिखना हो और फर्स्ट नेम, तो हम कुछ नहीं, पहले जो हमारा सेल रेफरेंस है, जैसे A1 सेल रेफरेंस है मेरा फर्स्ट नेम का और B1 सेल रेफरेंस है मेरा सेकंड नेम का, तो मैं इसे B1 कर देता हूँ और सेकंड नेम को मैं A1 कर देता हूँ, इंटर कर देता हूँ, तो ड्रैग कर देता हूँ नीचे तक, तो देखिए जो सेकंड नेम था वो पहले आ गया है और फर्स्ट नेम लास्ट में आ गया है। दूसरा ऑप्शन अपना है इक्वल, CON जैसे ही आप प्रेस करेंगे जस्ट नीचे आपका एक फॉर्मूला आएगा कॉनकैटनेट का, इस पर टैप प्रेस कर लीजिए और यहाँ पर आप फर्स्ट नेम सेम यहाँ पे भी है, अगर आप फर्स्ट नेम चाहते हैं तो फर्स्ट नेम या फिर सेकंड चाहते हैं तो आप सेकंड। मैं यहाँ फर्स्ट नेम चूज करता हूँ, फर्स्ट नेम चूज करेंगे, कॉमा लगाएंगे, यहाँ पर एंड का सिंबल नहीं लगेगा, यहाँ पर फिर से इनवर्टेड कॉमा एक लगाते हैं, स्पेस देते हैं, इनवर्टेड कॉमा को क्लोज करते हैं, कॉमा लगाते हैं, सेकंड नेम चूज करते हैं और ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, इंटर, नीचे तक मैं इसे ड्रैग कर देता हूँ, तो देखिए नेम जो है मेरा वो एक सेल में आ गया है। सेम उसी तरह अगर मुझे सेकंड नेम पहले चाहिए तो मैं सेल रेफरेंस चेंज कर देता हूँ B1 और यहाँ पर A1। आपका जो भी सेल रेफरेंस होगा वो आप देना, मेरा सेल रेफरेंस A1 B1 है तो मैं A1 B1 ही दे रहा हूँ, आपका जो भी सेल रेफरेंस होगा आप उसे दे सकते हैं। नीचे तक ड्रैग करूँगा तो देखिए सेकंड नेम पहले आ गया है और फर्स्ट नेम बाद में। तो दोस्तों, इस वीडियो की डिमांड करी थी मिस्टर विनोद पाटिल जी ने, तो आपको भी अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर नए वीडियो में कुछ नया टिप लेकर आपके लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।